जिला सोलन की राजकीय वरिष्ठ विद्यालय कलहोक के स्काउट एंड गाइड यूनिट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटावरैरी में आयोजित कैंप में भाग लिया। इस मौके पर विद्यालय के स्काउट एंड गाइड ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कलहोक स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता और किट लेआउट में प्रथम स्थान लिए। कैंप में छात्र छात्रों को बेसिक सिखाए तथा तृतीय सोपान के प्रमाण पत्र मिले। यह जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल किशोर शर्मा ने बताया कि इस कैंप से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास हुआ, जिससे कि वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्षमताओं के द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कर सकेंगे। इस कैंप में स्काउट युगल ठाकुर, रोहित, राहुल, लोकेश, देवेंद्र और मोहित कश्यप तथा गाइड पायल, ममता, निधि, जानवी, कुमकुम और मोनिका ने हिस्सा लिया। स्काउट मास्टर संजीव धीमान व गाइड कैप्टन सुदर्शन शर्मा बच्चों के साथ इस कैंप में सम्मिलित हुए। प्रधानाचार्य कमल किशोर शर्मा ने कलहोक यूनिट को बधाई दी तथा विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में आगे आने को कहा। इस मौके पर सभी स्टाफ सदस्य व विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल किशोर शर्मा ने कहा कि स्काउट एंड गाइड के बच्चे 5 दिन का कैंप पट्टा ब्रोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगा के आए हैं, जिसमें संजीव धीमान स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन श्रीमती सुदर्शन शर्मा, इन्होंने भाग लिया साथ में बच्चों के साथ। और बच्चों ने वहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास हुआ, बच्चों का किट लेआउट में प्रथम आए, बच्चे स्वस्थता में प्रथम आए, बहुत कुछ बच्चों ने सीखा। तो इसमें हम इन सभी को, पूरे यूनिट को टीचर्स के साथ बधाई देते हैं। धन्यवाद। सोलन से आपका फैसला के लिए सुदर्शन ठाकुर की रिपोर्ट।